अच्छा, कई लोगों की दाढ़ी मुझे नहीं आती, लेकिन पार्थिव आपके बारे में सुनना, आपको उम्र भी नहीं आती। कई सालों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही हैं। आपको बाबा रामदेव ने कोई अलग से च्यवनप्राश बना के दिया क्या है आप? नहीं सीरियसली, मतलब कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, अब मैं क्या करूँ उसमें। कई लोगों को बड़ा दिखना होता है जी, और कई लोगों को होता है कि जब उम्र हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा छोटा दिखे। पर इसीलिए काफी लोग ना जेलस भी हो जाते हैं। अच्छा। मुझे आके पूछते हैं कि राज क्या है। नहीं सीरियसली पार्थिव, आज भी शेव कर लेना, लोकल ट्रेन में फ्री सफर कर सकते हैं। और इसीलिए अब दाढ़ी भी रखने लगा हूं, क्योंकि अभी कमेंट्री कर रहा हूं तो लोग थोड़ा सीरियसली लेके, अभी दाढ़ी वाला पूरा बोल रहा है, छोटा बच्चा नहीं बोल रहा। नहीं होता कईयों का बेबी फेस। हाँ, बेबी फेस। अच्छा है, फायदा तो है इसका। बिल्कुल, कभी कभी लड़के बोलते थे सो क्यूट, ऐसे बोल देती। नहीं करती थी, अब नहीं कर रही, अब शादी हो गई ना, इसलिए ज्यादा। अच्छा। लोग नहीं कर रहे। पार्थिव, आपने जो विकेट कीपिंग होती है जिसमें, इसमें भागना नहीं पड़ता ज्यादातर, बॉल तकरीबन अपने पास आ ही जाती, भागना भी पड़ता है, इसीलिए तो नहीं आपने चुना कि थोड़ा? नहीं, एक सोच वो भी थी, क्योंकि अगर खड़े रहोगे हर बार, वैसे छोटा था तो पीछे खड़ा कर देते तो बॉल आता नहीं था। अच्छा। तो विकेट कीपर को देखते थे तो ऐसा लगा कि यार इसके पास तो हर बॉल आता है, एटलीस्ट मैं जाता हूँ थोड़ा गेम में इन्वॉल्व रहूँगा। अच्छा। नहीं तो बोर हो जाता था खड़े खड़े, इसलिए विकेट कीपिंग करी। फिर पता चला कि यहाँ बॉल भी आती है और भागना भी पड़ रहा है, दोनों हो रहा है। सूर्य, आपके बारे में सुना, आप क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते थे बचपन में, लेकिन क्रिकेट को इन्होंने करियर चुना। अच्छा, क्रिकेट में क्या है कि अगर आपने सेंचुरी मारी तो सारी वाहवाही आपकी अकेले की। हाँ। लेकिन अगर हार गई टीम तो सारी जिम्मेदारी बराबर में बांट लो। बैडमिंटन में ऐसा नहीं, उसमें तो हारा तो आपका, जीता आपका, तो भी आपका। हाँ, यही सोच के तो नहीं आपने क्रिकेट चुना? नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली बैडमिंटन में पहले खेलने स्टार्ट किया था, बट उसके बाद ऐसा लगा कि बैडमिंटन में बहुत कम टाइम बाहर जाने मिलता है, और क्रिकेट में क्या, एक बार सुबह निकले तो खेलते गए और शाम में वापस आने मिलते, ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहने मिलता था। तो इस चक्कर में आपने क्रिकेट चुना, तो इसलिए मैं सोचा कि क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा ये करता हूं। तो आप अपने बच्चों को बाहर जाने से ना रोकें, हो सकता है कल को वो भी क्रिकेटर बन सकते हैं। ये जो आपने टैटू और दाढ़ी, बड़े लोगों का देखा हमने, विराट कोहली का, पांड्या ने भी रखा हुआ है, ये बंदा आपने परमानेंट रखा हुआ है टैटू बनाने वाला? मतलब जी, देखा जाए तो सारे टैटू एक ही आदमी ने बनाया वैसे तो। अच्छा। बट मैंने, मेरा प्लान नहीं था इतना सब बनाने का, बट वैसे मैंने एक जो टैटू बनाया फर्स्ट अपने मम्मी डैडी का नाम लिखवाया था। ओह सो स्वीट। उसके बाद फिर वो पेन ऐसा लगा कि अच्छा है, बैठ जाओ, जाके चलते जा चलते। मम्मी डैडी का नाम कहाँ पे बनवाया? यहाँ पे लिखा है। अच्छा, वाओ। ऐसे देखो तो डैडी का नाम है, ऐसे मम्मी का नाम है। अरे वाह। और यहाँ पे उनका पोर्ट्रेट भी है। अरे वाह, मम्मी डैडी का। सो दिस राइट हैंड इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू देम। तो मैंने सुना शादी भी आपकी हो गई है, तो बीवी का नाम नहीं लिखवाया? बीवी का नाम यहाँ लिखवा है, हार्ट के एकदम दिल पे, अपने दिल पे। अच्छा दीपक, आपने क्रिकेट जो चुना एज ए करियर, तो आप क्रिकेट में अच्छे थे या पढ़ाई में कमजोर थे इसलिए आए आप? मेन रीजन यही था कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। खेलता अच्छा था, पापा ने ये चीज देखी, मेरे फादर मेरे कोच है, मेरे और मेरे भाई के। ओ, तो उन्होंने देखा कि स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है पढ़ाई से, तो एक राइट टाइम था कि करियर चुनना। तो 12 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया, तो तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाह क्या बात है, आप लोग दुनिया को पूरी को एंटरटेन करते हो अपने गेम के जरिए। लेकिन अच्छा, खुद कैसे एंटरटेन होते हो आप? खुद हम लोग ऑफ द फील्ड ट्राई करते हैं मूवीज देखने के लिए। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा आपका शो देखते हैं ज्यादा। कभी भी हम लोग, जब भी मैं, एटलीस्ट मैं, जब हम लोग मैच हारते हैं या कभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है, तो मैं अपने आप को मूड लिट करने के लिए आपका शोज देख लेता हूँ हमेशा, और या तो फैमिली है उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे दीपक चेन्नई की टीम से खेलते हैं, इनकी टीम का ना एक रूल है, ये सारे के सारे प्लेयर एक ही फ्लोर पर रुकते हैं, है ना दीपक? ये बड़ी अच्छी बात है, ये आपका प्यार है कि कैप्टन को शक है आप पे? नहीं, कभी होता ना कि कहीं अकेला अकेला छोड़ दिया तो एक एक कमरे में दो दोनों हो जाए, कई बार कोई गेस्ट आ ही जाते हैं कोई। तो अभी तो बंदा बैचलर भी है। सब सबके साथ है ये, मतलब ऐसे नहीं है चेन्नई के साथ में, सब टीम के साथ में कि भाई एक ही फ्लोर पर रुकना है। उसके अंदर भी अगर आपको कोई गेस्ट आ रहा है तो भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन आ रहा है। अच्छा। किसके साथ आ रहा है। बट हमारे ऐसा था नहीं, क्योंकि हमारी टीम में सब सीनियर प्लेयर है, सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हैं। अच्छा। तो लगता आप कैसे एडजस्ट करते थे फिर बीच में? अरे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, सब लोग की फैमिली आई हुई थी, मेरे को खाना खाने जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो अकेला जा रहा हूँ, तो मैं अकेला रेस्टोरेंट बैठा हूँ, क्या करूँ? ऐसे पोस्ट कर दिया कुछ भी कि हैविंग लंच अलोन, तो लोग पूछते हैं भाई अकेला क्यों खा रहे हो? तो मैं सबके होता, मेरा यार मन है मेरा, मैं तो अच्छा लगता है मेरे अकेला रहना, बट मेरी मजबूरी थी एक्चुअली कि मेरे साथ कोई था नहीं है जाने के लिए। तो जहाँ कभी खेलने जाना हो ना, सपोज आप चेन्नई जा रहे हो खेलने या कहीं और, पहले डाल दिया करो पोस्ट, आई एम गोइंग टू चेन्नई एंड स्टेइंग इन दिस एंड दैट होटल। आपके चाहने वाले आपको कंपनी दे दिया करेंगे लंच में।
अलाउ भी दिया डिनर में भी। क्यों गलत आइडिया दे रहा है हाँ? तो हमारे खिलाड़ी हैं ये, इनको खेल पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो तू इन्हें गलत चीजें सिखा रहा है। जवान आदमी अब खेल ही खेलता रहे बस। इनकी मत सुनना, इनकी खुद की तो निकल चुकी आप पूरा। देखो यही यही देखो, साथ साथ सब बैलेंस करके चलो सब। नहीं सबके साथ है वैसे, वहाँ पूरा माहौल रहता, सब शादी सब भाभी हैं बहुत सारी, तो मेरी सब भाभी से अच्छी पड़ती है। अच्छा तो मैं क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा रहता हूँ, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, तो मुझे पतियों की बुराई सुनने को मिलती है। अच्छा हाँ, तो ये देख के तो और नहीं मन करता होगा शादी करने का। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं हस्बैंड लोगों के साथ रहता हूँ तो वो पत्नियों के बताते हैं अबे ये शादी करके ऐसा है वैसा, तो जो मेरा थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे में कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाऊँ या शादी करूँ, वो वहीं खत्म हो जाता है। तो कि भाई दोनों तरफ से फंसेगी, डरते भी और डरते भी। अच्छा क्रिकेटर्स के कोई ना कोई सुपरस्टिशन जरूर होते हैं, मतलब हर एक, जैसे सिद्धू पाजी अक्सर जिक्र करते थे। अच्छा प्लेयर्स के होना हो, जो फैंस हैं ना उनके बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी विराट अगर 99 पे बैटिंग कर रहा है ना, तो कई लोगों को तो मतलब वो अपनी जगह से नहीं उठते, भले कितना जोर से बाथरूम आया हो। इतना प्रेशर विराट कोहली पे नहीं होता जितना इनके ऊपर होता है। सीरियसली इनके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, खड़े खड़े ना एक टांग पे दोनों मिट्टी बीज लेते हैं, और जब तक वो सेंचुरी, अच्छा उधर उसकी सेंचुरी हुई इधर उनके दोनों स्टंप गीले हो जाते हैं। आप बिलीव करते हैं कभी ऐसे वहम भरम में? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर ओपनिंग करने जाता हूँ मैं तो मेरा ऐसा है कि लेफ्ट साइड से वॉक करके जाना है। अच्छा। तो जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था तो लैंडल सिमंस का भी वैसे ही था। अच्छा। कि उसको भी लेफ्ट साइड से जाना होता था, तो पहली बार गए तो मैं ऐसे लेफ्ट पे खड़ा हो गया, फिर वो इधर आया। अच्छा। मैं वापस उधर चला गया, तो ऐसा ये ड्रेसिंग रूम इस साइड था, ऐसा लगा कि दोनों चलते चलते दूसरे ड्रेसिंग रूम से चलने लगे। अरे एक ना बच्चे का सवाल था पार्थिव, वो बोल रहे थे कि कभी ऐसा हुआ कि किसी बैट्समैन का स्टमक अपसेट हो, पेट खराब हो और स्पिनर सामने बॉल फेंक रहा हो लेकिन फिर भी आपने पीछे से खड़े हो कीपिंग की हो। हाँ हुआ है बहुत बार, ये मुंबई के सामने जब हम फाइनल खेल रहे थे तब दो तीन बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है ना, ग्लव होता है तो हम थोड़ा मुंह छुपा तो स्मेल आती है। अच्छा जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट फेमस है तो इनका स्वीप बड़ा बड़ा फेमस है, तो ये पहले से आपको आता था झाड़ू वाला शॉट के शादी करने के बाद आपको आया ये आइडिया? पहले से आता था, पहले इतना फाइन नहीं था ये शॉट, बट शादी करने के बाद थोड़ा और अच्छा होगा घर में कर कर के कर कर। दीपक वैसे तो अनमैरिड अभी लेकिन अभी शादी की उम्र तो हो ही गई है, तो किस बॉलीवुड हीरोइन पे बुरी नजर है आपकी? नहीं मतलब किसी पे नजर नहीं है, मेरी बहन है वो इधर आई हुई है मालती। अच्छा। उसका यही काम है, वो भी इंडस्ट्री में काम करती है। अच्छा। तो मेरे को दिखाती रहती है कि भाई ये लड़की कैसी है, मैंने कहा नहीं। हाय मालती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा तो कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं फिर आप दीपक के लिए? सुंदर, सुशील। और मतलब किस इंडस्ट्री की होनी चाहिए, हाउस वाइफ होनी चाहिए या मतलब... नहीं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। मैं इसको जब भी कोई लड़की दिखाती हूँ ना तो ये बोलता है दिखने में तो ठीक ही लगती है मुझे सारी लड़कियां, तू देख ले। अच्छा हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे को कोई भी लड़की की पिक्चर दिखाती है मुझे अच्छी तो लग रही है, फिर कोई अगर वही उसी लड़की की पिक्चर दोबारा दिखाती मुझे लगता है अलग अलग, अलग लड़की है, पहचान भी नहीं पाता वही लड़की है। इसने कभी किसी को डेट नहीं किया तो मैं कहती हूँ डेट ही कर ले, इससे अच्छा पता चल जाएगा लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी थोड़ी ना मालती आपको बताया, वो क्या पता नहीं थोड़ी होता है मुझे, पर अच्छा है बहन लड़की ढूंढेगी ना आपके लिए तो अच्छा है, कम से कम इनकी लड़ाई तो नहीं होगी भाभी ननद की, तो एक मसला तो आपका सॉल्व हो गया। तो बड़ा कौन है दोनों में से, दीपक आप हैं? ए अच्छा दोनों एक दूसरे को बड़ा बोल रहे हैं? नहीं नहीं वो ही बड़ी। अच्छा थैंक यू फॉर कमिंग मालती, थैंक यू सो मच। अरे सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना अर्चना जी को करके बोल रही थी मैं उनको दिखाना लाइव। उसमें एक्चुअली दो तीन लोग होते हैं। हाँ तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलते हैं तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं अरे इतना जोर से कहकर चिल्लाते तो अक्षय कुमार बोलते हैं स्टाइल है बाबू भैया स्टाइल, तो ये जोर से झापड़ लग ए बाबूराव का स्टाइल है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था तो मैंने दो तीन लोग को लेके, तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है, मैचेस का भी फंसा हुआ रहता है, तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए, तो